बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ मौज़म जाफरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इलिया कंसल्टेंट। आज की वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी, तो सोचा एक ओपन एनवायरनमेंट में चलते हैं, क्योंकि ये वीडियो मैं ऑफिस के अंदर भी शूट कर सकता था, लेकिन यहाँ पे आने का मकसद ये था कि एक किस्म की आउटिंग भी हो जाए, क्योंकि आपको पता है वीज़ा रेशो को लेके काफ़ी किस्म की स्ट्रेस चल रही थी आप स्टूडेंट्स के लिए, और ज़ाहिर है आप स्टूडेंट्स के लिए टेंशन है तो ज़ाहिर है हमारे लिए भी थी। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि इस मंथ में या पिछले मंथ में अगर हमने कुछ वीज़ाज़ जो है वो हासिल किए, रिफ्यूज़ल्स किस किस्म के आए, किस तरह करके रिफ्यूज़ल्स को कम किया जा सकता है, क्या प्रोफाइल होना चाहिए तो आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करें, और अगर ऑस्ट्रेलिया से आपको एक बार रिफ्यूज़ल मिलता है तो क्या दोबारा अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर अप्लाई करें तो क्या केस के अंदर बेहतरी लानी चाहिए। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे, तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। जी, तो बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलियन वीज़ा एप्लीकेशंस इतनी ज़्यादा रिफ्यूज़ल्स क्यों आ रहे हैं आजकल। जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ सिटीज़ में पाकिस्तान में बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं जो ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा को डील करते हैं, और इस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड, बल्कि वर्ल्ड की तो मैं बात नहीं करूँगा, पाकिस्तान की बात करूँगा कि पाकिस्तान में ऐसे ही हालात हैं कि स्टूडेंट्स वीज़ा को लेकर, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया को लेकर बहुत सारे केसेज जो हैं वो रिफ्यूज़ल सामने आ रहे हैं। अब कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग इस चीज़ को छुपाते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि आप तक जो भी सिचुएशन हो खुल के बताई जाए, ताकि आपका फ्यूचर होता है उसके पीछे और आप उस चीज़ को लेके डिसाइड कर सकें कि अगर ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना है तो हमें मेंटली तौर पे प्रिपेयर होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ भी कर सकती है, जिसके चांसेस आजकल के हालात में देखा जाए तो कुछ ग्रांट से लेके ज़्यादा हैं। उसकी रीज़न ये है कि आज तक आपने देखा होगा इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन जो है, अब हम एक छोटा सा शहर हाफिज़ाबाद में हमारा ऑफिस है और हमारे पास 100 ऑफ एप्लीकेशन इस वक्त हैं, नो डाउट कि पूरे पाकिस्तान से एप्लीकेशंस हमारे पास आती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हो चुकी हैं ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ाज़ की, कि ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी उस चीज़ को लेके थोड़ा सा डिस्टर्ब है कि अगर हम वीज़ा ग्रांट करें तो किसको करें, ना करें तो किसको रिफ्यूज़ करें। तो पहले क्या होता था कि एक रिफ्यूज़ल लेटर के अंदर आपको पूरी एक डिटेल बताई जाती थी कि अगर आपका रिफ्यूज़ल है तो किस बिहाफ पे हुआ है, लेकिन आज कल चूँकि रिफ्यूज़ल्स की रेशियो ज़्यादा है तो उन्होंने कुछ अपने सिस्टम के अंदर कुछ ऐसी जो है वो ऑटोमेटिक चीज़ें ऐड की हुई हैं कि वो सिस्टम खुद जो है वो जनरेट करता है आपके रिफ्यूज़ल लेटर को, और नीचे वीज़ा ऑफिसर्स का नाम आ जाता है, और जिसमें रीज़न यही बताया जाती है कि आपके मुल्क की हालात जो है वो कुछ अच्छे नहीं है, तो उस चीज़ को लेके हम आपको केस जो है वो ग्रांट नहीं कर रहे और आपको रिफ्यूज़ल जो है वो दे रहे हैं। तो अगर एक स्टूडेंट का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो उसके पीछे किसी हद तक मैं कहूँगा एक रीज़न ये भी होती है कि आप अगर यूनिवर्सिटी केस अप्लाई कर रहे हैं तो आपका प्रोफाइल ज़ाहिर अच्छा है तो आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन, और कुछ कहते हैं कि सर आप यूनिवर्सिटी केस क्यों नहीं डील करते, हम डेफिनेटली करते हैं। रिसेंटली हमारे 2-3 बच्चा जो हैं वो वीज़ा ग्रांट जो है उनके हुए हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, यूनिवर्सिटी वॉलोंगोंग के साथ हमारे बड़े अच्छे जो है वो चल रहे हैं मामला, तो उसमें बच्चे हमारे वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। लेकिन एक स्टूडेंट का प्रोफाइल ही अगर फॉर एग्जाम्पल आपका 6 बैंड है, नो डाउट आप यूनिवर्सिटी को लिए करें, आपका उसमें चांसेस जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन एक प्रोफाइल ही आपका वीक है, 5.5 अगर बैंड्स हैं, तो आपको अगर ये कहा जाता है कि आप इसको इम्प्रूव करें तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमारे फ़लां स्टूडेंट का फ़लां कंसल्टेंट से फ़लां टाइम पे हुआ था वीज़ा ग्रांट, इसी प्रोफाइल के साथ आप करें और हो सकता है हमारा भी हो जाए। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे बच्चों के वीज़ाज़ जो है हमने लिए भी, लेकिन उसमें कुछ रिफ्यूज़ल्स भी हमें देखना पड़े। अब इससे लो प्रोफाइल की तरफ आ जाए, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके ओवरऑल तो 5.5 बैंड्स हैं, लेकिन किसी मेड्यूल में 5 से कम भी होने की वजह से उनका एडमिशन जो है वो डिग्री प्रोग्राम के लिए नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उसका डिप्लोमा लेवल पर जब हम अप्लाई करते हैं और वो स्टूडेंट के साथ बाकायदा उसको आगाह करके कि बेटा इसमें क्या हो सकता है इन फ्यूचर, तुम्हारे वीज़ा रेशो के चांसेस जो है वो कितने हैं वीज़ा ग्रांट को लेके, तो हम क्लियर करने के बाद स्टूडेंट का वीज़ा अप्लाई करते हैं, और जबकि देखा कि पिछले 1-2 महीनों में रिफ्यूज़ल जो है वो मेजॉरिटी जो थे वो डिप्लोमा केसेस के थे। और फिर सेकेंड चीज़, कुछ बच्चों के हमने रीअप्लाई भी किए, और रीअप्लाई जितने बच्चों के केस किए थे कोई एक भी ऐसा वीज़ा नहीं था जो रीअप्लाई में लगा हो। लेकिन आप कोशिश करें कि अगर आप केस को रीअप्लाई कर रहे हैं तो अगर आप बैचलर से रिफ्यूज़ हुए हैं तो कोशिश
करें कि दोबारा आप अपना केस जो है वो लॉन्च ना करें, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस आपको रिफ्यूज़ल की, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट जो होती है वो स्ट्रांग होती है, और उसके बाद जब आप सेकंड टाइम अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली उसके चांस कम, और थर्ड टाइम तो उससे भी कम। तो कोशिश करें कि एक ट्राई लें, अगर आपका वीज़ा मिल जाता है तो उसके बाद आप ट्रैवल करें, और अगर नहीं मिलता तो ज़ाहिर है आप अपना कोई डेस्टिनेशन और देखें। यूके है, यूरोप है, और काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए जा सकते हैं। जी तो बात करते हैं कि अगर हमें इन दिनों में कुछ बच्चों के वीज़ाज जो हैं वो मिले हैं तो उनका प्रोफाइल किस किस्म का था। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे रिसेंट वीज़ाज की, जिसमें से आज डेट है 10 मार्च की, और आज की डेट में हमें एक स्टूडेंट का वीज़ा ग्रांट हुआ। उसका नाम है हसन हयात। अच्छा, हसन हयात का प्रोफाइल कैसा था और हमने किस में एडमिशन जो है वो करवाया था, कितनी फ़ीस डिपॉजिट की थी, कॉलेज का नाम क्या था, किस कोर्स के लिए किया था, आइट्स कितना था, तो इन सब चीज़ों पर बात करते हैं। तो हसन हयात का स्टूडेंट का प्रोफाइल ये था कि उसने 2020 में इंटरमीडिएट किया हुआ था, और हमने आगे एडमिशन जो करवाया था उसका बैचलर ऑफ़ बिज़नेस में करवाया, जिसमें बैचलर ऑफ़ बिज़नेस कोर्स हमने लिया टाइज कॉलेज से। अब ये टाइज कॉलेज सिडनी के अंदर कॉलेज है, और ये फ़ीस आपसे सेमेस्टर की चार्ज करेगा तकरीबन 11,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट बनती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने कोशिश की, कि हमारी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि केस के ऊपर इन्वेस्टमेंट ठीक से की जाए, क्योंकि अगर आप केस को इन्वेस्टमेंट ठीक से नहीं करेंगे, लाइक आप अगर सस्ते कॉलेज चूज़ करेंगे जिनकी फीसिस 2,000-5,000 डॉलर तक होगी, तो ज़ाहिर वीज़ा रेशो को भी लो के उसमें काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। तो हम अपने एंड से कोशिश करते हैं कि बैंक स्टेटमेंट स्टूडेंट की मैक्सिमम हो। हसन हयात की बैंक स्टेटमेंट 80 लाख की थी। इसके अलावा अगर इसका देखा जाए, आइट्स का स्कोर तो 6 बैंड था, लेकिन कुछ मेड्यूल में इसके 5 होने की वजह से हमें कॉलेज के अंदर बैचलर मिल गया, जबकि अगर यही हम यूनिवर्सिटी के लिए केस करते तो हमें मिलना था उसमें आपको एली कोर्स मिलना था, और एली कोर्स के बाद आपको बैचलर एडमिशन मिलता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस बच्चे का करवाया बैचलर ऑफ़ बिज़नेस में, और इसको वीज़ा ग्रांट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 10 दिन में मिल गया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी काफ़ी फास्ट प्रोसेसिंग कर रही है, तो आप जब भी कोई वीज़ा अप्लाई करते हैं कोशिश करें अपना मेडिकल बायोमेट्रिक एज सुन एज़ पॉसिबल करवाएं, क्योंकि मेडिकल और बायोमेट्रिक के बाद किसी टाइम भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको वीज़ा ग्रांट मिल सकता है। अच्छा, इसकी फ़ीस के बाद इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस ज़ाहिर है, अगर 3 साल का कोर्स है, बैचलर ऑफ़ बिज़नेस है, तो 3 साल की इंश्योरेंस ही होती है। इसमें डिफरेंट कंपनीज हैं, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है कि किस किस्म की इंश्योरेंस आप परचेज कर सकते हैं। बाकी बैंक स्टेटमेंट का मैंने बता दिया, एम्बेसी फीस आप जानते हैं इस वक्त कितने थे। तो टोटल कॉस्ट जो इस बच्चे की आई थी ऑलमोस्ट कोई 25 लाख तक इसका खर्चा आया, और अल्हम्दुलिल्लाह इसको खुदा ने कामयाबी दी और वीज़ा इसको मिल गया। अब आप स्टूडेंट्स समझते हैं कि जब एक स्टूडेंट को वीज़ा जो है वो मिलता है तो उसके पीछे प्रोफाइल आपकी नज़र में नहीं होता, आप जस्ट देखते हैं कि इसको वीज़ा ग्रांट हो गया तो हम भी चलें करते हैं अपना अप्लाई। तो उससे पहले अपनी असेसमेंट खुद से कर लिया करें कि आपका प्रोफाइल कैसा है, क्या आपके मार्क्स परसेंटेज ठीक है, क्या आपकी स्टडी में ज्यादा गैप तो नहीं है, क्या आपका आइट्स स्कोर जो है वो 6 बैंड है कि नहीं है, क्योंकि आजकल मैं कहूंगा कि अगर आपके आइट्स स्कोर 6 बैंड नहीं है तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई ना किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी हालात को आप जानते हैं कि किस तरह के हैं। और अगर आपका प्रोफाइल वीक है तो जाहिर है आपको ग्रांट लेटर तो क्या रिफ्यूजल जो है वो विद इन नो टाइम मिल सकता है। हाँ, एक और चीज आपसे शेयर करूं कि मेडिकल बायोमेट्रिक है, इसलिए मैंने कहा कि आप एज़ सून एज़ पॉसिबल ले लिया करें, क्योंकि एम्बेसी आपको ये वक्त नहीं देगी। बाज़ुकात हमने ये भी देखा कि स्टूडेंट्स अभी मेडिकल बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट नहीं हुई, जिस दिन वीज़ा अप्लाई किया उससे अगले दिन या एक दिन बाद जो है वो वीज़ा रिफ्यूज़ल लेटर भी हमें मिले। क्योंकि देखें, मेरी बात कोशिश होती है कि आप तक वेरी क्लियर जो है वो बातें कर दीजिए, ताकि आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रह जाए, कि ऐसा ना हो कि मैं आपको मिसगाइड करूं और आप का फ्यूचर की बात है। ज़ाहिर आपका ऑस्ट्रेलिया नो डाउट कि बहुत अच्छा कंट्री है, अर्निंग के हवाले से बेस्ट है मैं कहूँगा इस वक्त कनाडा के बाद या यूएस के बाद देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया अर्निंग के हवाले से बहुत अच्छा है, बल्कि ये क्यों ना कहूँ कि अमेरिका से भी अच्छा है अर्निंग के हवाले से। तो अगर आपका ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता तो फिर आप कोशिश करें कि यूके चले जाएं। यूके सितंबर इनटेक आगे आ रहा है, उसके लिए आपके पास इजीली टाइम है, लैंग्वेज सर्ट कर सकते हैं आप उसके लिए आइट्स यूके भी आई कर सकते हैं, आप ऑक्सफोर्ड टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा अगर आपने आइट्स यूके वी आई किया हुआ है। मास्टर के स्टूडेंट्स लैंग्वेज सर्ट के थ्रू आसानी एडमिशन ले सकते हैं यूके की यूनिवर्सिटीज़ में, और अगर आपने इंटर किया हुआ है तो आप इंटर के लिए, और इसके अलावा यूके के अलावा आयरलैंड एक अच्छी ऑप्शन है। आयरलैंड के बाद देखा जाए कनाडा, यूएसए नो डाउट कि अच्छे कंट्रीज़ हैं, लेकिन वीज़ा रेशो को लेके देखा जाए तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं होगी कि आप उन कंट्रीज़ में अप्लाई करें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अगर आपको वीज़ा नहीं दे रहा तो डेफ़िनेटली उनके लिए भी आपके लिए मुश्किल होगा।
तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए इंटरेस्टेड हैं और आप समझते हैं कि मैंने ऑस्ट्रेलिया का ही स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है और ऐसे हालात में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आप ज़रूर करें, लेकिन उससे पहले आप देख लें कि आपका प्रोफाइल किस किस्म का होना चाहिए। एक तो ये पहली बात यह कि आपका स्टडी गैप जो है वो कम से कम होना चाहिए, दूसरी बात यह कि अगर आपका मार्क्स परसेंटेज 60% है तो वेल एंड गुड, आप सिक्योर हैं किसी हद तक, और आइट्स का स्कोर तो 6 बैंड से कम अगर हो तो मेरा नहीं मशवरा कि आप अप्लाई करें। 6 बैंड में के साथ आप अप्लाई करेंगे तो एटलीस्ट आपका एडमिशन जो होगा वो ज़ाहिर है बैचलर डिग्री के लिए होगा। बैचलर के लिए आपको पता है कॉलेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं जो इस वक्त एडमिशन्स दे रहे हैं, जिसमें से टॉप पे आ जाता है किंग जोन इंस्टीट्यूट, जिसमें हमारा स्टूडेंट उमर सरदार, अवाब इजाज और इसके अलावा तैयब इकराम और बहुत सारे बच्चे जो है इस वक्त मेरे माइंड में नाम सबके अब्दुल्ला खान है, इसके अलावा मुबीन सादिक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे इस कॉलेज में जो है वो जा चुके हैं और आप भी इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा कॉलेज है, वीज़ा रेशो को लेके काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हमारा इसके साथ जा रहा है। आप इसमें अप्लाई करने के लिए आपको 6 बैंड्स रिक्वायर्ड हैं, नो लेस देन 5.5 ईच मेड्यूल, और मार्क्स परसेंटेज आपके अगर 60% हैं, स्टडी में गैप नहीं है तो बआसानी आप बैचलर डिग्री इस कॉलेज में ले सकते हैं। ट्यूशन फीस बड़ी रीज़नेबल है, $7,500 से लेकर $8,000 आपने सेमेस्टर की फ़ीस पे करनी है, जबकि यही फीस आप यूनिवर्सिटी में ज़ाहिर पे करते हैं तो आपको पता है कि $15,000 से $16,000 पे आपका एडमिशन होगा। तो ज़ाहिर है कॉलेज में अगर आप डिग्री के लिए जा रहे हैं तो अप्लाई तो ज़ाहिर है आपका वोकेशनल के लिए नहीं होगा, आपका हायर सेक्टर में ही अप्लाई होगा, और हायर सेक्टर की वीज़ा रेशियो सेम है जैसे यूनिवर्सिटी हो कॉलेज हो, लेकिन चूँकि आप हायर सेक्टर के लिए जा रहे हैं, हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, तो फिर आपकी वीज़ा रेशियो इंशाल्लाह बेहतर होगी। मज़ीद आपको कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछने हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हो सकता है इस वीडियो में मेरी मुझसे कुछ चीज़ें जो है वो स्किप हो गई हूँ। इन्वायरमेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, एक ताज़ा हवा और काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो यहाँ पे अगर मॉइस आपको दिखा सके कि इस वीडियो को बनाने का बाहर मकसद भी ये था कि आपके साथ बातें तो शेयर करते हूँ ऑफिस के अंदर, काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ वो बैठ के मैं बात तो करता रहता हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा ओपन इन्वायरमेंट आने का मकसद ये था कि ये खूबसूरत दरख्त और इनके ऊपर आप देख लें कि काफ़ी हद तक फ्रूट्स भी लगे हुए हैं, और ये आमों के पेड़ हैं, कुछ ये लुकाट के हैं, और इस तरह अगर मेरी इस साइड पे मॉइस दिखाए तो ये अमरूद काफ़ी सारे लगे हुए हैं, तो काफ़ी खूबसूरत जो है वो ये एरिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे एक बहुत सारे अमरूद के दरख्त हैं और बड़े प्यारे प्यारे अमरूद लगे हुए हैं, तो बाहर निकलने का मकसद भी यही था कि आप लोगों के साथ बातचीत भी हो जाए और कुछ आउटिंग भी हो जाए। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा प्यारे प्यारे यहाँ पर अमरूद लगे हुए, अब इसमें से कौन सा तोड़ूँ, आई थिंक सो वाइज ये कैसा है, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे यहाँ से कोई नहीं पसंद, और देखते हैं, हाँ ये किसी हद तक ठीक है। तो फ्रेश तोड़ के खाने का चीज़ भी अपना ही इसमें मज़ा होता है। मेरे साथ इस वक्त मेरे बहुत प्यारे प्यारे स्वीट से भाई दोस्त ज़हीर भाई भी खड़े हैं और वो भी इंजॉय कर रहे हैं इस अमरूद को। तो उमर आप क्यों कैमरा से छुप गए, ये उमर भाई शमोज हाफिज़ाबाद में आपने देखा होगा, उसको माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त तरीके से रन कर रहे हैं, और बाकी परिंदों की चहचहाट भी इस वक्त आपको सुनाई दे रही होगी, और सूरज तो गरूब हो चुका, सूरज तो गरूब हो चुका काफ़ी देर पहले का। तो चलिए हम वापसी की तरफ अब निकलते हैं, ये हाफिज़ाबाद सिटी से तकरीबन कह लें कोई 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, ये एक काफ़ी लंबा चौड़ा बाग है, इसमें अमरूद के दरख्त हैं, लुकाट के हैं, आम के हैं, और भी लीची वगैरह काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर आपको नज़र आ सकते हैं, तो ये एक विज़िट करने के लिए बहुत ज़बरदस्त प्लेस है। तो वापस चलते हैं आज हम वॉइस, उम्मीद है इस वीडियो में मैंने आपसे काफ़ी बातें शेयर कर ली होंगी, अगर कोई वीडियो में आपको कोई चीज़ मिस लगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो जल्द उसके ऊपर मैं अगेन कुछ वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।